दोस्तों क्या निकी तांबोली कर रही है कोशिश रूबीना एंड ग्रुप में मारने की एंट्री, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों कल फराह खान ने जब से निकी तांबोली को ये समझाया है कि तुम अब सबसे मिलना जुलना थोड़ा सा कम करो और एक अच्छी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के उभरो, तो कहीं ना कहीं निकी तांबोली को ये डर सताया जा रहा है कि उनका जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो डिमांड थी, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र आ रही, जिसके चलते निकी तांबोली अब शो में इनसिक्योर होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में कल निकी तांबोली ने कोशिश की रूबीना एंड ग्रुप में एंट्री मारने की। वेल, अभिनव शुक्ला और रूबीना सोफे पे बैठे हुए थे, तो वहीं पे निकी तांबोली जाती हैं और बैठती हैं और कहती हैं कि अब शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप में आ जाना चाहिए, जैसे मैं तुम्हें समझती थी वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो। स्पेशली रूबीना के साथ वो जो है काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन करती हुई नजर आई थी। वेल, रियलिटी क्या है ये तो हम सभी जानते हैं कि निकी तांबोली को इस समय लाइमलाइट की बहुत ज़रूरत है, जैसा कि फराह खान ने उन्हें बोला था। और जब तक वो रूबीना या फिर ग्रुप के और इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, तब तक उनको शो में शायद इतनी ज़्यादा हाईलाइट ना मिल पाए, क्योंकि शो में जान ही इकलौते हैं, जिसके चलते निकी तांबोली को कहीं ना कहीं आरपी मिल जाती है। लेकिन अब जान भी ऐसा लग रहा है कि निकी में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे, जिसके चलते अब निकी तांबोली की जो गेम है ना कहीं उनके हाथों से जाती हुई नजर आ रही है और निकी तांबोली शो में अकेली पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते अब निकी तांबोली ने यह डिसीजन लिया है कि वो रूबीना एंड ग्रुप में एंट्री मारेगी, यानी कि अभिनव शुक्ला, जैस्मिन भसीन, अली गोनी, इनके ग्रुप में एंट्री मारेगी निकी तांबोली। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आपको भी यही लग रहा है कि निकी तांबोली अब जबरन कोशिश कर रही है घुसने की रूबीना और उनके ग्रुप में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच। We'll be right back.